दोस्तों 24 सितंबर को सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड का एक सैंपल पृथ्वी पर उतरा है, लेकिन कैसे, आइए स्क्रीन पर डबल टैप करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नासा ने शुद्र ग्रह बेनु के सैंपल कलेक्शन के लिए 7 ईयर्स एगो ओसिरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया था। यह सैंपल कलेक्शन की रियल फुटेज है, जहाँ स्पेसक्राफ्ट लैंड होने के साथ ही मुट्ठी भर सैंपल को लेके वापस पृथ्वी पर आने के लिए निकल गया और 2 दिन पहले लगभग 30,000 मील प्रति घंटे की गति से वायुमंडल में उतर गया था। यह सैंपल का वजन 59.5 ग्राम है, लेकिन यह सैंपल को धरती पर क्यों लाया गया है देखेंगे अगले वीडियो में।